कल का और एक इंसिडेंस, कल जागतिक बेरोजगारी दिन था, नरेंद्र मोदी का बर्थडे था, उन्होंने चीते लेके आए, 8 चीते लेके आए बाहर से। लोगों ने बहुत तारीफ की, देखो अब चीते की स्पीड से इंडिया दौड़ेगा, अब चीता आ गया है, मोदी का चीता है, ऐसा है वैसा है। अगर आपको याद होगा 8 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, जो भी आउट ऑफ इंडिया के लोग हैं, NRI जो भी है आउट ऑफ इंडिया, आपके पास टाइम पीरियड है और टाइम क्लोज हो रहा है धीरे धीरे, आप जल्द से जल्द इंडिया वापस आ जाओ, आपका टाइम क्लोज हो रहा है। मैंने 8 दिन पहले वीडियो डाला था। इंडिया में कौन सा एनिमल नहीं है, इंडिया में सारे एनिमल हैं, इंडिया में गेंडा है, इंडिया में बाघ है, इंडिया में शेर है, इंडिया में हाथी है, घोड़े हैं, लोमड़ी है, सब कुछ। इंडिया में कौन से एनिमल नहीं था, इंडिया में बिपटा था। इंडिया में जो एनिमल्स नहीं है, जो स्पीसीज नहीं है, उनको यहाँ पे लाया जाएगा। जैसे चीता है, ये लाया जाएगा। क्यों लाया जाएगा? क्योंकि 8 दिन पहले मैंने समझाया था, यूरोपियन रीजन, अफ्रीकन रीजन, साउथ अमेरिका, अमेरिकन रीजन हैबिटेंट नहीं रहने वाले हैं। साउथ अमेरिका में, ब्राज़ील विजिल में गए, 1.5-2 साल से इतना अकाल गिरा है कि वहाँ पे जानवर भूखे और बिना पानी के मर रहे हैं। एक एस्टिमेट दिया गया है कि लगभग 1.5-2 साल में लगभग 5 से 5.5 छोटे बड़े 5-5.5 मिलियन एनिमल्स, यानी लगभग 50 से 55 लाख छोटे बड़े, जिसमें और वहाँ पे क्या रहते, झुंड रहते, नील गायों का झुंड, हरणों का झुंड, गेंडों का झुंड, चीतों का झुंड, ऐसे झुंड रहते हैं। तो उन झुंडों में वो एनिमल्स मर रहे हैं। तो इन सारे जो है प्रजातियाँ जिनकी स्पीसीज खतरे में है, तो ये जो है, जब आदमियों को वहां से उठा के यहाँ पे विस्थापित करना पड़ने वाला है आदमियों को, तो आपको क्या लगता है, आप जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास अमेरिका में बैठे, यूरोप में बैठे, मिडिल ईस्ट में बैठे, आपको उठाएंगे? नहीं भाई साहब, आपको क्यों उठाएंगे? जो अमीर लोग हैं वो प्लेनों में बिठा के, जैसे यहाँ पे इंडिया में इंटरनेशनल रोड जो बना है, जहाँ पे प्लेन उतारने की प्रैक्टिस की गई है, यहाँ पे लाए जाएंगे। कब? जब एन वक्त। ये सारे नेताओं को पता है, ये सारे नेताओं को, ये सारे दुनिया के सारे नेताओं को पता है, सिर्फ ये बताना नहीं चाहते हैं। आपको ये पैनिक नहीं करना चाहते हैं। फिर सब बोलेंगे हमें भी बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। तो ये जो होने वाला है साइक्लोन्स, फ्लड्स, भुखमरी, इसमें ये अगले 1 से 2 साल में जब ये निपट जाएंगे, ये सारे लोग निपट जाएंगे। तब जो कुछ बचे कुचे है, BM न्यूज तेरे को इनवाइट नहीं किया है, जिसको मेरी बात सुननी है, मेरे जितने फॉलोअर हैं उनको पता है मेरी बात सुनने के लिए बहुत पेशेंस की जरूरत है। चीतों को ही क्यों लाया? क्योंकि वो प्रजाति नहीं थी भारत में। अब कुछ दिनों बाद ये जिराफ को भी लाएंगे, बाद में कांगारू को भी लाएंगे, सारे को एक साथ लेके आएगा, तो तुम बेवकूफ को समझ जाएगा कि क्या चल रहा है। आप लोगों को समझना नहीं है, तुमको वैसे बेवकूफ बना के रखना है। और हर हर आने वाले इसमें तांडव कब होगा, कब मरेंगे भाई? तेरा भी नंबर होगा, पता नहीं।
तेरा भी नंबर होगा, तांडव चल रहा है, सिर्फ तुझे पता नहीं है क्योंकि तू लोकल न्यूज चैनल देखता है। कभी जाके CNN, फॉक्स न्यूज देख। टेक्सास में कल टेक्सास में 200 मिलीमीटर बरसात हुई, 200 मिलीमीटर। कल बार्सिलोना में 120 लीटर पर स्क्वायर मीटर बरसात हुई, 120 लीटर पर स्क्वायर मीटर। अब तुम जो है पूछने वाले सवाल, उन गधों को तो पता नहीं है कि उतना क्या होता है, किधर है बरसात, कहाँ है तांडव, तो तुमको स्क्वायर मीटर भी कितना होता है वो पता है? तो नहीं पता। सूर्य का ऑरा बोले क्या होता है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं ना नूडल्स बनाता हूँ और यहाँ से भेजता हूँ, तो वो भी खिलाता हूँ मेरे हाथों से, ये ले भाई खा, वो नूडल्स भी मैं खिलाता हूँ, अभी परोसा है थाली में। अब वो ये चीजें है ना, इसलिए मैं कमेंट सेक्शन बंद रखता था, इसलिए मैं कमेंट सेक्शन बंद रखता था। तुम्हारे IQ लेवल का यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हो, जब तुम आके सवाल पूछते हो ना, तो तुम तुम्हारे IQ लेवल का रिप्रेजेंट करते हो। बीच में लाइव बंद हुआ था, चला गया था नेटवर्क। तो ये चीजें जो है, इस चीज को लोगों को मजाक लग रहा है, बिल्कुल लगने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनको मेरा मैसेज समझना है उनको समझ जाएंगे मैं क्या कहना था। सोलर फ्लेयर ब्लास्ट, एक्स क्लास सोलर फ्लेयर ब्लास्ट, उसकी वजह से होने वाले अर्थक्वेक, उसकी वजह से होने वाले साइक्लोन्स, उसकी वजह से होने वाला बर्फ पिघलना, उसकी वजह से आइस का कोल्ड एंड हॉट करंट डिस्टर्ब होना, सारी चीजें मैंने आपको समझाई है। ये मैंने आपको समझाइए, पुरानी वीडियो जाके देखिए किस तरह से इन चीज़ों का इम्पैक्ट गिरता है, किस तरह से साइक्लोन्स बनते हैं, किस तरह से ये सब चीज़ें होते हैं। तो धन्यवाद सभी का। बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।